हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने बहुत ही प्यार से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हैंडल किया है। हमने ये जाना है कि थ्योरी में क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि एटम्स को किस तरीके से लिखते हैं और उनको लिखने के लिए हम किस किस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में और मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कुछ नया टॉपिक, जैसे कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। कि भाई, हमने पढ़ लिया है कि एटम क्या होता है, एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जब बात आती है तो हम इसको कुछ एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम इसको अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करें, तो जब भी आप मार्केट जाते हो कुछ ख़रीदने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ यूनिट में उसको ख़रीद करके लाते हो। जैसे अगर आप मार्केट गए और आपने सब्जियां ख़रीदी, तो आप जो है सब्जियों को किलोग्राम में या ग्राम में ख़रीद करके लाओगे। आपको कोई लिक्विड ख़रीदना है तो आप उसके लिए लीटर, मिलीलीटर, इस तरीके की यूनिट्स का यूज़ करोगे। आप टाइम देख रहे हो तो आप सेकेंड यूज़ करोगे। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो सेम वे, अगर आपने शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे एक किलो ये चाहिए, तो शॉपकीपर क्या करेगा, एक तराजू लेगा, तराजू में एक किलो का वेट रखेगा और आपकी जो है सब्जियों को तोलना जो है वो शुरू कर देगा। तो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जो आप सब्जी खरीद रहे हो, जो सब्जी वो तोल रहा है, वो सब्जी वो उस 1 किलोग्राम एटॉमिक, 1 किलोग्राम जो वेट है ना, उसके रिस्पेक्ट में वो तोड़ रहा है। मतलब जो आपकी सब्जियां है ना, वो उनका मास जो है 1 किलोग्राम किसके रिस्पेक्ट में है, उस वेट के रिस्पेक्ट में। फाइन, तो सेम वे हम लोग एटॉमिक मास को मेज़र करते हैं। एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास होता है एक्चुअली में किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उसका जो मास होता है वो मिल करके बनता है एटॉमिक मास। अब बच्चों, इसमें कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एटम। हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि भाई हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसका जो सिंबल है वो 1H1 है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास प्रोटॉन जो है वो भी 1 है, और इसके पास जो न्यूट्रॉन है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि मैं आपको साफ सी बात बताऊं तो आप ये लोग, आप ये बात याद कर लो, क्योंकि ये मैं आपको बाद में ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, इसके पास 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। यानी कि इसका जो कुल एटॉमिक मास होगा दैट इज इक्वल टू 1, 1, और इसके आगे यूनिट लगाएंगे हम। यूनिट क्या लगाते हैं? AMU। AMU क्या है? ये सिंपल सा यूनिट है जो कि एटम के मास को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। और AMU जो है उसकी अगर फुल फॉर्म बताई जाए तो वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ये आजकल ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि जब से IUPAC को हमने फॉलो करना शुरू किया है तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हम AMU को AMU ना लिख करके हम लोग लिख देते हैं U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, या तो 1 AMU लिख दीजिए या फिर 1
यू लिख दीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर जैसे मैं अभी आपको वेजिटेबल वेंडर का एग्जांपल दे रही थी, मैंने बोला कि आप अगर कुछ भी खरीद रहे हो तो आप एक वेट रखोगे साइड में और फिर आप उसके रिस्पेक्ट में सामान खरीदोगे। आप यानी कि जो मास होगा वो उसका एक्चुअल मास को हम बोल सकते हैं रिलेटिव मास। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं मासेस का, ठीक है। तो फिर आपने जो भी सामान खरीदा है आप उसको बोल सकते हो कि इट इज़ द रिलेटिव मास। मतलब एक पर्टिकुलर मास बना रखा है, एक किलोग्राम जो है उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बना रखी है और फिर उसके ही रिस्पेक्ट में हम सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं, फाइन। तो यहाँ पर हमें किस ये आवश्यकता पड़ी कि भाई हम कौन सा एटम लें जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट माने, जिसके मास को हम स्टैंडर्ड यूनिट माने और उसके ही रिस्पेक्ट में हम सबका मास क्या करें, कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10^-24 ग्राम। अब ये जो यूनिट है ये बहुत छोटी है, अगर इस यूनिट को मैं आपको डेसिमल में लिख करके बताऊं तो फिर मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से हमको जो है इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो नाउ आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये कितनी छोटी इकाई है, ठीक है, ये कितनी छोटी संख्या है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो बट इट इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल्सो। मतलब एक राउंड ऑफ नंबर होना चाहिए जो आपकी कैलकुलेशंस को ईजी बना दे, इसलिए ऐसा माना गया IUPAC ने और केमिस्ट्री में जो भी इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ थे उन्होंने ऐसा सोचा कि हम जो है एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए कुछ एक सिस्टम बनाते हैं, कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड मान करके बाकी एटम्स के मास को उसके आधार पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात हुई, हाइड्रोजन को नहीं माना, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना, क्योंकि हाइड्रोजन से जो भी कैलकुलेशंस की जा रही थी वो सारी की सारी कैलकुलेशंस फ्रैक्शन में आ रही थी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आ रही है तो कोई बेस ही नहीं हुआ, फिर फ्रैक्शन याद करना भी आसान नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर है कि भाई चलो ऑक्सीजन को ले लेते हैं स्टैंडर्ड, बट उसके साथ भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए। एट लास्ट ये डिसाइड किया गया कि हम स्टैंडर्ड जो है यूनिट के लिए हम ले लेते हैं कार्बन को, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, कार्बन जो होता है, कार्बन के पास होते हैं 6 प्रोटॉन्स, कार्बन के पास होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स। तो कुल मिलाकर के कार्बन का जो एटॉमिक मास हो गया वो हो गया 12, ठीक है। अब 12 जो एटॉमिक मास है कार्बन का वो क्या हो गया, 12 AMU, ठीक है। तो 12 AMU मिला करके हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यहाँ पर मैं कार्बन 12 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 6C12 एग्जिस्ट करता है, 6C13 एग्जिस्ट करता है, 6C14 एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअली में जो 6C12 होता है ये लगभग 99% ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास उसमें से 99% जो होते हैं वो कार्बन के इस आइसोटोप के होते हैं, बाकी 1% जो हैं वो इन दोनों कार्बन के आइसोटोप्स के होते हैं। सो दैट इज़ वाई ऐसा सोचा गया कि भाई 6C12 बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसी को बेस बना लें, इन दोनों को बेस नहीं बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से 12 AMU ले लिया क्योंकि कार्बन का जो है 12 यूनिट्स हैं, ठीक है, कार्बन के पास 12 जो है 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 क्या हैं उसके पास,
न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है इसलिए उसका मास हो गया 1U। अब इसके पास कुल मिलाकर के 12 है तो इसका टोटल मास जो हो गया वो 12 AMU हो गया। 12 AMU किसका मास हो गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 1 AMU की बात करें तो 1 AMU क्या हुआ बच्चों, 1/12, क्या हम इसको 1/12 लिख सकते हैं, इनटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का जितना भी मास है उसका अगर हम 1/12 कर दें तो वो कहलाता है 1 AMU। तो इस तरीके से हमको AMU के बारे में पता चला। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो क्या रहा है भाई, आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल गई है। अब जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन का मास होता है 16, मैं ऑक्सीजन को, हम लोग ऑक्सीजन को 8 और 16 लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन का मास है 16, तो एक्चुअली में ऑक्सीजन का मास 16 नहीं है। एक्चुअली में वी आर कंपेयरिंग द मास ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो अब जैसे कैलकुलेशंस की गई तो कैलकुलेशन के आधार पर जो कार्बन 12 एटम था उसका जो मास था वो कितना माना गया, 1.9926 × 10⁻²³ ग्राम। ठीक है, और जब हमने इसको डिवाइड किया 12 से तो हमें मिला 1.6625 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो यहाँ से हमको ये कंक्लूज़न मिला कि जो 1 AMU होता है वो होता है इतने ग्राम के बराबर। तो यानी कि अगर आपको दे रखा है कि भाई 8 और 16, आपको बोला कि भाई 8 और 16 है, अब आप 8 और 16 में का ऑक्सीजन का एक्चुअली में मास कितना है, तो आप जो 16U है ना, वो 16U या AMU बात एक ही है, उसको इस नंबर से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको एक्चुअली मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग जो हमें बता रही है, हमें अपनी लाइफ की जनरल एग्जांपल्स से कनेक्ट कर रही है। तो आपको ये एटॉमिक मास यूनिट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, मैम पूछते हैं, सर पूछते हैं, टीचर्स एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ एटम विच इज इक्वल टू, इज द यूनिट टू मेजर द मास ऑफ एटम विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और कार्बन के जो 12th आइसोटोप है उसके 1/12 के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। नाउ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आगे टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जो है एक टॉपिक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली मॉलिक्यूल किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल रिलेटेड है एटम्स से। अगर मैं बोलूं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ठीक है, तो एटम जो होते हैं वो कभी भी आपको इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं मिलेंगे। एटम्स को पसंद होता है ग्रुप में रहना, सोशल बिहेवियर शो करना। बहुत ही कम एटम ऐसे होंगे जो कि आपको इंडिपेंडेंटली मिलेंगे, बट एक्चुअली में एटम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एटम्स जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन हो करके एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, अगर वो सेम काइंड के एटम्स हैं, सिमिलर काइंड के एटम्स हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एलिमेंट्स। अगर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स हैं बच्चों और वो कंबाइन हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट जो है वो
फ्री तो रहेंगे नहीं भाई। एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि H और H, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो भाई H2 कहीं भी सिंगल नहीं मिलेगा। बहुत सारे एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन वो एक ग्रुप में घूम रहे होंगे और फिर उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर वाटर H2O, H2O एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो भाई एक H2O तो सिंगल इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा, अ ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी टुगेदर, सो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप यू दिस इज क्लियर टू यू। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? तो एटम जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मॉलिक्यूल्स दो चीज़ों के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल और ऑफ एलिमेंट्स का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, जैसे कि H2 का मतलब है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया है, बॉन्डिंग बनाई है और H2 बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से Cl2 का मतलब क्या है, Cl और Cl। ऑक्सीजन O2 का मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम्स का आपस में जुड़ना, ये ऑक्सीजन एलिमेंट बन गया। इसी तरीके से N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जुड़ना, तो ये बन गया N2। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं बात करूँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स की बच्चों, तो देखो कंपाउंड में मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ H2O का, CO2 का, ठीक है, NH3 का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई एक एग्जांपल नहीं है, H2SO4 का, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन है, इसमें एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन एक सल्फर और एक चार ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, और फिर ये बना रहे हैं कंपाउंड। और जब ये बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, उनको एक कंबाइन रूप में जब देखा जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एंड सेम वे हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पर एक नया टर्म लेकर के आए जो कि है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि भाई कितने एटम्स थे, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे नहीं, मतलब कितने एटम्स थे। तो भाई इसको उस मूवी से रिलेट कर लो, कितने एटम्स थे, जितने एटम्स थे वो हो गई उसकी एटॉमिसिटी। फाइन, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस होती हैं। ये जो नोबल गैसेस हैं ये फ्री रहना पसंद करती हैं, ये इंडिपेंडेंटली रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली रहना पसंद करती हैं इसलिए इनकी एटॉमिसिटी होती है 1। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस। इन द सेम वे मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मैंने बोला था H2, N2, Cl2, Br2, O2, ये सारे की सारी गैसेस हैं। और आप देख सकते हो H2 में दो हाइड्रोजन एटम, N2 में दो नाइट्रोजन, दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन, दो ऑक्सीजन आपस में क्या हुए हैं भाई, जुड़े हुए हैं, एक कपल जैसा बना लिया है उन्होंने आपस में। तो भाई दो हैं, तो दैट इज़ वाई दीज आर डाई एटॉमिक गैसेस, और इनकी जो एटॉमिसिटी है वो क्या है, वो 2 है। पहले वाले की एटॉमिसिटी 1 है। अगर देखा जाए ओजोन को, ओजोन गैस का सिंबल होता है O3। यहाँ पर तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये है, ये ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा होता है तो मतलब पॉली हो जाता है, और इसकी एटॉमिसिटी है 3। ठीक है, इसी तरीके
से मैं ले लूँ अगर H2O, तो H2O में देखो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, 2+1, इसकी एटोमिसिटी हो गई 3। CO2 की बात करें तो 2+1, 3। भाई बात करूँ H2SO4 की, तो देखो आप लोग अब समझदार हो गए, बताओ 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 हाइड्रोजन, तो 4+5 = 7, 7 हो गई इसकी एटोमिसिटी। फाइन, इसी तरीके से HCl ले लेते हैं, तो HCl में 1 और 1, 2। HNO3 ले लेते हैं फिर 3, 4, 5। तो इस तरीके से ये हो जा रही है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है और हम इस तरीके से एटोमिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, नाउ अब अगला टॉपिक जो आपको दिख रहा है, आप पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा है वो है आयंस। अब आयंस को पढ़ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। आयंस एक्चुअली में क्या होता है कि हर किसी एटम का एक टारगेट होता है, वो टारगेट होता है स्टेबिलिटी गेन करना, ठीक है। कोई भी एटम जो है उसका एक ही प्रेफरेंस है, वो है स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना, आराम से रहना, उसके बाद आराम से चैन की नींद सोना। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं साइंटिस्ट ने, बोर बरी ने अपनी स्कीम दी हुई है, वो फ़िलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई आयंस की फॉर्म में एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो आयंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बच्चों कैटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। तो कैटायन क्या होते हैं, कैटायन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब किसी भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, मैंने अपने आसपास किसी से भी ना कुछ लिया है और ना ही किसी को कुछ सामान दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे अपने आस पड़ोस से कोई भी मतलब नहीं है। इन द सेम वे इट इज़ विद यू, अगर आपका भी सेम बिहेवियर है तो। नाउ व्हाट विल हैपन अगर आपको किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है तो, ऑब्वियसली अगर आप रिच हो, अगर आपके पास इनफ आर्टिकल्स है, इनफ सामान है, देन यू कैन डोनेट दोज थिंग्स टू अदर्स। कुछ एटम्स वो होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकते, इसलिए वो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो कि कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देना पसंद करते हैं। दे डोनेट इट, दे गिव इट टू समवन एंड दे आर द डोनर्स। That is why they're so happy and they get positive charge over them. So they are called cations. Atoms की वो form जो कि electrons को donate कर देती है उनको हम cations कहते हैं। और donate क्यों करती है? To gain the stability, to gain the stable configuration. फाइन, तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई कैटायन है क्या। तो कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। वो एटम्स जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, उनको हम कैटायंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे कैटायंस हैं। एनायंस की बात करें जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अब ऑब्वियसली कमी है तो क्या है उनके पास ऑप्शन, आपके पास कमी है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ऑब्वियसली इधर से उधर से उस कमी को पूरा करोगे ना। तो वही सेम इनके साथ होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स
लेना पसंद करते हैं. दे टेक सम इलेक्ट्रॉन्स एंड देन दे गेट माइनस चार्ज ओवर देम. तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बोरो करते हैं, सो हम उनको बोल देते हैं बोरोअर्स, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बोरो किया है इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उनको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, जैसे ऑक्सीजन का आयन, ठीक है, जैसे ब्रोमीन का आयन, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नाइट्रोजन का आयन, ठीक है. ये सारे के सारे आयन्स आप देख सकते हो बच्चों, इनके ऊपर माइनस माइनस चार्ज है. तो जब माइनस चार्ज है ना, तो दैट इज़ वाई वी से देम एनायन, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उनको हम कहते हैं कैटायन. नाउ व्हाट हैपेंस, ये आयन्स जो हैं ये एक क्लस्टर बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं, और फिर उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. जैसे एन ए ने सी एल के साथ मिल करके बना लिया एन ए सी एल. अगर मैं यहाँ H+ भी ले लूँ तो H+ ने Cl के साथ मिलकर के बना दिया HCl. तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड, ये हो गया आयनिक कंपाउंड. Mg ने Cl के साथ मिलकर के बनाया MgCl2. तो ये हो गया MgCl2 कंपाउंड, ठीक है. तो ये बहुत सारे जब अगर एक ग्रुप में है तो इनको बोल देंगे मॉलिक्यूल्स. फाइन. तो इस तरीके से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. एटम्स जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो एक ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं. और आपने ये सीखा कि भाई एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, और फिर आयंस दो टाइप के होंगे, कैटायन एंड एनायन. कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायंस नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है. तो कैटायन और एनायन जब मिलेंगे बच्चों, तो ये कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स. जो प्लस और माइनस से मिलकर के बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है. तो दिस इज द चार्ट. नाउ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनका जवाब देना है. उसके लिए आपको कॉपी और पेन निकाल लेना है फटाफट से और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है. चलो अब आपको मुझे जवाब देना है कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस, व्हाट इज द एटॉमिसिटी देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इनकी एटॉमिसिटी बतानी है, और आप फटाफट से इसको करो एंड देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है. नाउ देखो H3PO4 में कितने एटम्स हैं, 3, 4 and 4, 8. NaCl में 1 और 1, 2. O3 में 3, Cl2 में 2, P4 में 4 एंड सल्फर में 8. तो ये आपको याद होना चाहिए. भाई आपसे कोई जनरली पूछ ले फॉस्फोरस तो आप बोल देना P4, आपसे कोई पूछे सल्फर तो आप बोल देना 8. तो इस तरीके से आप जो है एटॉमिसिटी जो है बता सकते हो, ठीक है. और हाँ एक चीज़ और है ना बच्चों, केमिस्ट्री में आपको आयंस याद जरूर करने हैं, और आप आयंस को याद करते रहो. ऐसा नहीं है कि आप जो है आयंस भूल जाओ. मैंने आपको कितने सारे आयंस बता दिए, एन ए प्लस बताया, सी एल माइनस बताया, एच प्लस बताया, सी एल बी आर माइनस बताया, एफ माइनस बताया, ठीक है. तो आपको ये सारे के सारे जितने है ये याद करनी है, ठीक है. तो दिस इज इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड वी आर डूइंग सो वेल. मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, एंड आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं. यू आर कमिंग एवरी डे टू माई क्लास, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू विद मी. सो इसी तरीके से आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय.